Guys, welcome back to MAD. So today I have Vaibhav Awasthi with us. So he was All India Rank 1 in GATE 2022 in Agriculture Engineering. So Vaibhav, I would just like कि आप अपने बारे में थोड़ा सा background दें, introduce करें अपने बारे में before we start for the interview. Hello everyone, my name is Vaibhav Awasthi and I come from Barabanki, Uttar Pradesh. Currently, I am in fourth year of Bachelor's of Technology in Agriculture Engineering from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. In GATE 2022, I have secured All India Rank 1 with a GATE score of 997. So that's all about me. Okay, great, great. Thanks, Vaibhav. So first of all, congratulations, All India Rank 1, right? So now there would be many people who would like to understand from you from the agriculture domain. That what was your strategy of preparation? So let's start from very basic. तो आपने कब सोचा कि आपको गेट देना है और कौन से ईयर से आपने गेट की तैयारी स्टार्ट करी? सर, मुझे गेट के बारे में तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पता चल गया था कि एक ऐसा कोई एग्जाम होता है गेट जैसा जिसमें हम हायर स्टडीज के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद. तो मैंने स्टार्टिंग से ही अपने जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स थे उन्हें जो फर्स्ट थ्री सेमेस्टर्स के होते हैं उन्हें ठीक से कवर किया. फिर मैंने जो फुल फ्लेश जो प्रिपरेशन स्टार्ट की वो थर्ड ईयर पे आके स्टार्ट की कि मुझे गेट के लिए ही अब करना है प्रिपरेशन. बट फाउंडेशन अच्छी थी तो क्या नाम है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं क्योंकि मैं स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में अपनी पढ़ाई की थी मैंने कम्प्लीट. अच्छा, तो तभी मैंने सोचा कि गेट ही करते हैं. अच्छा, ठीक है. और ऐसा मोटिवेशन क्या कहते हैं आपको, गेट के बाद आईआईटीज या आईएससी से पढ़ना था या फिर पीएसयू के लिए आपका ज्यादा इंक्लिनेशन है? नहीं सर, एग्रीकल्चर में तो कोई पीएसयू है नहीं अभी. अच्छा, ओके. और हाँ, तो हायर स्टडीज ही एक ऑप्शन बचता है. एक्चुअली में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसके बाद आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज नहीं आपको मिलेंगी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ पाना चाहते हो. तो आपको हायर स्टडीज के लिए जाना ही पड़ेगा, या तो आप एमबीए करो या एमटेक करो. ओके. तो इसलिए मैंने सोचा कि टेक्निकल अच्छा है मेरा और टेक्निकली साउंड है ज्यादा नॉलेज, तो क्यों ना गेट के लिए अप्लाई किया जाए. ओके. सीनियर्स भी थे, कुछ लोग थे जिनको देखा कि वो अच्छा कर रहे हैं इसी के थ्रू, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे फॉलो करूं. ओके ओके, ठीक है. तो आपने बोला बेसिकली कि क्योंकि ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती नहीं है आफ्टर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो या तो एमटेक करो या फिर एमबीए करो. ओके. तो आपने थर्ड ईयर से ऑलमोस्ट लाइक फाउंडेशन आपकी अच्छी थी, आपने स्टार्ट किया. तो अभी प्रिपरेशन कोचिंग भी आपने कुछ ली या फिर इट वाज फुल ऑन योर ओन? तो सर, एग्रीकल्चर एक ऐसी ब्रांच है जो कन्वेंशनल ब्रांच की जैसे नहीं है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल हो गई, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, हमें स्लीप कंटेंट मिल जाता है, स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत सारी हैं. तो आप अगर कोचिंग ना भी करो तो भी आप चला सकते हो काम. बट एग्रीकल्चर में कंटेंट की बहुत कमी है और ऑथेंटिक कंटेंट की बहुत कमी है. तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी ऑनलाइन ही, 2 साल का था उनका कोर्स पूरा पैकेज. तो मेरा तो थर्ड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 17 आ गई थी, तो बट मैंने फिर से उसको रखा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम है एग्रीकल्चर में. अगर आप टॉप 10 में हो तभी आप आईआईएससी या नीचे जैसे इंस्टीट्यूट का सोच सकते हो. तो मैंने फिर से एक बार अप्लाई किया था, तो मैंने सर कोचिंग की थी, ट्रांसईजी करके एक कोचिंग है, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था, हेल्प भी किया मुझे बहुत वो कोचिंग. ओके, तो आपकी थर्ड ईयर में ऑलरेडी अच्छी रैंक आई थी एक बार, फिर आपने ये दोबारा से दिया इस साल. ओके, ग्रेट. नहीं, आई थिंक ये एक दैट्स गुड टू मेंशन कि बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है अभी एग्रीकल्चर में जितना बाकी कोर ब्रांचेस में, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में है. ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. सो अब क्या कहते हैं, आपने ये कोचिंग करी तो आपको क्या लगता है कि फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनको अगर एक्सेल करना है गेट में तो कोचिंग इज मैंडेटरी या फिर वो विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं? एंड ऑल्सो बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स शुड बी रेफर, स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस बुक्स? सर, विदाउट बुक्स भी की जा सकती है, ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको कोचिंग करनी है. बट सर, एग्रीकल्चर में क्या है कि अगर आप टॉप 20 पे नहीं आते और टॉप 20 टॉप 30 रैंक पे नहीं आते तो फिर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा. ओके. आईआईटी हो गया या आईआईएससी हो गया, नीटी हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद वो नहीं हो पाता है. अच्छा. तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि ज्यादा कोई मनी लगता नहीं है, इतना पैसे नहीं लगते हैं,
एक अगर कोचिंग हो तो क्या नाम है, एक डिसिप्लिन और एक गाइडेंस की बहुत जरूरत रहती है पहली चीज। और जिनको अगर कोचिंग नहीं करनी है तो उनके लिए रेफरेंस बुक मैं दो तीन सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप मैथ्स अच्छे से कवर कर लो। आप फूड इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर में जो बहुत बड़ा वेटेज लेता है, तो उसके लिए कुछ बुक्स हैं जैसे इरफान अंसारी है और एक चार्ल्स जीन पोपलिस करके एक बुक है, फॉरेन राइटर है, वो बहुत बेस्ट बुक है। ये कुछ हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जो कि बहुत अच्छे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो आप इन सबको फॉलो करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा करके सोल्यूशन पा करके आप ऐसे कर सकते हो बिना कोचिंग के भी। बट यही है कि अगर आपको हायर स्टडीज में जाना ही जाना है और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल टीचिंग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं की है तो आप एमटेक में जा करके परेशान हो जाएंगे, वहां पे आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे रट के चले गए हैं और केवल जस्ट गेट निकाले, आपने कॉन्सेप्चुअल टीचिंग नहीं लर्निंग नहीं की है। तो ये मेरा एक सजेशन है कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ही करें तो, क्योंकि हमें तो जानना है हायर स्टडीज में बीएससी करेक्ट है नहीं तो आगे करेक्ट काम नहीं आएगा, तो करेक्ट उसके लिए अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास तो आप वहां आपको बड़ी परेशानी आएगी। इस वजह से यही मेरा एक रीजन था कि मुझे क्या नाम है, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, मैंने कंटेंट देखा तो मुझे बहुत सही लगा तो मैंने कर लिया था उसको। ओके अंडरस्टूड. नहीं, आई थिंक इट्स गुड टू लर्न ट्रांसपेरेंट ओपिनियन की क्या सिचुएशन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में. राइट, ओके गुड. अब क्या कहते हैं, आते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह पे. सो लाइक एग्जाम से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए आपने, वहां पे आपका रिजल्ट कैसा रहता था, कैसे प्रैक्टिस करी आपने एक्चुअल सिनेरियो को रेप्लिकेट करने की. सर मेरी कुछ स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं जरूर बताना बताऊंगा। मैंने पहले क्या किया कि मैंने तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर किए थे अपने, साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करता रहता था। और जो मैंने लगभग 100+ टेस्ट सीरीज दी, ये ओके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट ओके सीरीज थे, ओके उन्हीं 100 को मैंने कई बार रिवाइज किया। जैसे मैंने एक बार कंप्लीट किया फिर मैंने एक दो महीने के बाद फिर उन्हें रिवाइज किया, तो उससे क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट अच्छे से वो भी पकड़ उसमें अच्छी बन गई। और फिर उसके बाद मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था, अप्रैल 2021 से 5th ऑफ फेब्रुअरी तक मैं पर डे एक पेपर लगाता था ओके प्रीवियस ईयर का, 1988 से लेकर के 2021 तक के मैं पेपर पर डे एक लगाता था ब्रेकफास्ट के वो साथ। आपने सारे पेपर तो लगा दिए. उससे क्योंकि सारे पेपर मेरे लगाए गए हैं, क्योंकि 80-85% जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियसली आज कॉन्सेप्ट्स पे ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल नए बनते हैं, बाकी अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कवर किया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली इतने में ही आप एक टॉपर टॉप 10 रैंक लाने तक का आप कवर कर ले जाओगे। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रीवियस पे बहुत फोकस करो, जो अगर क्योंकि आप एक बार गो थ्रू हो गए पूरे 30 ईयर्स के पेपर से, लेकिन आप जो सेकेंड बार गो थ्रू होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे, आप कुछ और सीखने को पाओगे हर साल। तो फिर उससे आप ये भी सोच सकोगे कि इस क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ऐसा और एक पिक कर देते हैं कि नया क्वेश्चन बन जाएगा। करेक्ट इस तरीके से आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हो उनके कॉन्सेप्ट को। फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा कि ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन रखी। अंडरस्टूड अंडरस्टूड. तो बेसिकली आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, आपने बहुत ज्यादा सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करे प्रीवियस ईयर के, ताकि उसके बेसिस पे आता रहे. ओके गुड. तो अब आ जाते हैं कि ये सब करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, तो वहां पे स्ट्रेटेजी कैसे थी कि लाइक आपने पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, 2 नंबर 1 नंबर, कितना टाइम स्पेंड किया किस क्वेश्चन पे, कैसे स्किप किया. ये जो गेट का जो एग्जाम है ना, वो गेट जिस दिन पेपर होता है उस दिन तक माना जाता है। तो मेरा तो यही था कि मैं एक दिन पहले बहुत सोऊंगा, मैं रात को 8 बजे सोया, मैं सुबह 10 बजे उठा। मैंने कहा कि मैं सो के अच्छा जाऊंगा क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोए रहोगे उतना ज्यादा आप वहां पे स्ट्रेस नहीं ले पाओगे, नहीं आपको होगा और आप अच्छे से पेपर को बोलोगे। फिर यही था कि मैंने ये भी सोच रखा था कि मैं पहले 1 नंबर 2 नंबर जो भी करूंगा मैं लाइन से स्टार्ट किया था, तथा मैंने टेक्निकल से स्टार्ट किया था, मैंने एप्टीट्यूड बाद के लिए रखा था क्योंकि एप्टीट्यूड में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो मैंने टेक्निकल से स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एक बार कवर करने के बाद मैं एप्टीट्यूड मैंने किए, और मैं जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने उनको तुरंत छोड़ दिए वहीं पे कि मैं इनपे टाइम पहली बार में तो नहीं दूंगा। तो मैंने मोस्टली 1 आवर 15 मिनट्स में अपना पूरा एक बार मैंने गो थ्रू कर लिया था पेपर। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पे गया तो कुछ 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए,
इस तरीके से मेरा जो मैंने पूरा किया था, मैंने 88 मार्क्स का किया था, बट वो कैलकुलेशन एरर और आते बढ़ते वो 81 मार्क्स आए मेरे, ओके तो ये अंडरस्टूड था। अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपने पूरा 100 का नहीं किया, जो आपको नहीं आता था आपने ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया उसमें, आपने एक फोकस जितना आता था नहीं मैक्सिमम 88 का किया उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं ओके अंडरस्टूड नहीं अंडरस्टूड। अब इसके अलावा क्या कहते हैं, पढ़ाई के अलावा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक हॉबीज क्या रही? ऐसा तो नहीं कि आप 24/7 पढ़ते रहे, और क्या रिकमेंड करेंगे लोग? ऐसा होता है कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है हर दिन, तो थोड़ा सा उसके बारे में कि चिल आउट करने के नहीं लिए। चिल आउट करने के लिए थोड़ा बहुत तो मैं वेब सीरीज ज्यादा थोड़ा बहुत देखा, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा खेलने वेलने निकल जाता था, बैडमिंटन खेलने के लिए 2-3 दिन में एक बार हो जाता था, और बाकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि कोविड के बीच में हम लोग का प्रिपरेशन पूरा चला था, तो घर में ही थे हम लोग, करेक्ट करेक्ट तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और वो बहुत हेल्पफुल हुआ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। करेक्ट करेक्ट। हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड। गुड, आई थिंक वेरी गुड इंसाइट्स। जो आई थिंक जो लोग अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए इट वुड बी रियली गुड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो कुछ लास्ट मिनट एडवाइस कि ऐसे प्रिपरेशन करो, ऐसे रहो, ये फॉलो करो। ऑब्वियसली सबके लिए सब कुछ एप्लीकेबल नहीं होता, सबका अपना अलग अलग तरीका रहता है, बट जस्ट एज एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड। मेरे कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं जरूर शेयर करूंगा व्यूवर्स को, कि आप तो बहुत से लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन होते हैं, बहुत से लोग पर्सन होते हैं जो नाइट में नाइट पढ़ना में प्रेफर करते हैं, करते हैं, करेक्ट। बट जो मैंने ये देखा है कि आप अगर सुबह से लेकर के आप आफ्टरनून तक अपने 6 to 7 आवर्स अगर आप यूटिलाइज कर ले जा रहे हो, तो रेस्ट ऑफ द डे के लिए बहुत आप मोटिवेटेड रहते हो कि आज मैंने इतना पढ़ लिया है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। अगर आप बहुत से मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखा है, वो 10-11 बजे उठते हैं, फिर वो लंच आते हैं आफ्टरनून होते होते, फिर उनके माइंड में रिग्रेट आने लगता है कि यार आज का दिन बिगड़ गया मेरा, तो ऐसा ना करें, स्टार्टिंग के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, और जो गेट एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस करें, क्योंकि मैंने ये देखा है और हर एक ब्रांच का यही होगा कि प्रीवियसली आज कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा करेक्ट ट्विक करके आगे बढ़ा करके पीछे करके, तो आप कम से कम 6 to 7 बार सारे पेपर्स को सॉल्व करें एटलीस्ट, और उसपे से जो कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं तो उसको आप नोट करते जाएं, क्योंकि क्योंकि एट द एंड आपके शॉर्ट नोट्स ही आपकी पूरी हार्ड वर्क का करेक्ट, एक वो होंगे समरी हो कि जाएगी आपको पूरी। आगे करेंगे, समझ हो जाएगी पूरी। साथ ही साथ क्या है कि इसके बाद आप क्लासेस लें, अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो उसमें कंटिन्यू रहें, और टेस्ट टेस्ट बहुत मैटर करता है, टेस्ट आप देते रहे, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के क्वेश्चन हो जाएं, अगर एक सेकेंड चीज ये है कि कोई भी टॉपिक कवर करने के बाद आपके माइंड में ये जरूर आना चाहिए कि इससे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस दिन आपको अगर माइंड में ऐसा आने लगा कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, उस दिन आप समझ लो कि अब ये टॉपिक कवर हो गया है, करेक्ट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये क्वेश्चन आ गया और ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ इसी टॉपिक का, जबकि मैंने टॉपिक कवर किया हुआ है, तो ऐसा नहीं, तो इस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को कवर करते चलो, ताकि करेक्ट आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाएं, इस हिसाब से आप करो, तो करेक्ट। यही कुछ है, और थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहो, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया फिर थोड़ा सा चिल मारने लगे, तो अंडरस्टूड फाइव टू अंडरस्टूड। सिक्स आवर्स की अगर ऐसे आप पर डे करते हो तो सफिशियंट रहता है। अंडरस्टूड। सो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने आप को एग्जॉस्ट कर लो। पास्ट क्वेश्चन नहीं पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या गुड इंसाइट्स। श्योर वैभव, थैंक्स। आई थिंक दिस वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू दी स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू गिव गेट, एंड ऑल्सो व्यूअर्स। लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट वी हैव नॉट आंसर्ड, जस्ट प्लीज पुट देम इन द कमेंट, एंड या वैभव वुड बी देयर टू आंसर ऑन द चैट। आई वुड बी देयर टू आंसर ऑन द चैट, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो या थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर कलीग्स। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपर। Thank you very much.